News 18, India. नैनीताल की डीएम वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद मीणा घायल पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। डीएम वंदना सिंह ने दावा किया है कि प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को हटाने की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, यानी नोटिस दिया गया था, अचानक से हुई कार्रवाई ये नहीं थी। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। 30 तारीख को एक नोटिस दिया गया था कि स्ट्रक्चर इलीगल है, नगर निगम की लैंड पर बना है, आप लोग इसको हटा लें स्वयं, अन्यथा बलपूर्वक इसको नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाएगा। 30 तारीख को नोटिस दिए जाने के बाद संबंधितों के द्वारा उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद एक डेट फिक्स करी गई 3 दिन बाद की, और उसमें जब डिमोलिशन ड्राइव की पूरी तैयारी हो गई थी, इस बीच संबंधित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र लेकर गया, जिसमें नगर निगम की डिमोलिशन ड्राइव को रोके जाने की प्रार्थना की गई और नोटिस को वापस लिए जाने की प्रार्थना की गई। आज की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। किसी भी प्रकार का रिलीफ जो है वो याचिकाकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि नगर निगम ऑलरेडी इस एक्शन को ले चुका था, सिर्फ निस्तारण के लिए उसको रोका गया था, इसलिए नगर निगम ने अपनी टीमों को मूव कराया। तो वंदना सिंह डीएम है, आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि बाकायदा नोटिस दिया गया था, अचानक से कार्रवाई नहीं की गई थी। और आइए एक बार जरा सुन लें कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी ये हिंसा की है उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ ऐलान कर दिया है। उस तरफ दूसरी तरफ आपने डीएम वंदना सिंह को भी सुना, जो कि डीएम है नैनीताल की, उन्होंने कहा कि बाकायदा नोटिस दिया गया था, अचानक से कार्रवाई नहीं की गई थी, और फिर कोर्ट का आदेश था। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसने कहा था कि उन्हें थोड़ा सा मौका दिया जाए, और लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि जो अवैध निर्माण हुआ है उसे ढा दिया जाए, लिहाजा फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की।